कैसे जापान से हो जाएगा मुसलमानों का सफाया? क्यों चीन और जापान जैसे देशों में इस्लाम हटाओ अभियान शुरू हुआ है? आखिर क्यों मस्जिदों को तोड़कर बनाए जा रहे हैं शराब के ठेके? और क्यों इससे पाकिस्तानी मौलानाओं की हालत खराब हो गई है? दोस्तों, इस्लाम और ईसाई ये दो ऐसे धर्म हैं जिससे जुड़े हुए लोग आपको हर एक देश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। माना जाता है कि इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में इस्लाम को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसने मुल्ला मौलवियों की चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, पूरी दुनिया भर से इस्लाम को हटाने का अभियान चल रहा है। आपने देखा होगा कि चीन और जापान सहित अन्य कई देशों के अंदर लगातार मस्जिदों का सफाया किया जा रहा है। अब आए वहां के मुसलमानों को टोपी उतारने पर विवश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ देशों में तो मुसलमानों के नमाज अदा करने पर भी बैन लगा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि सभी देशों में इस्लाम को लेकर नफरत पैदा हो चुकी है? क्या यह दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे सनातन धर्म का असर है, या फिर इस्लाम धर्म का कोई ऐसा राज जो तमाम मुल्कों को पता चल चुका है? इसके अलावा भारी संख्या में मुस्लिम क्यों इस्लाम धर्म का त्याग कर रहे हैं? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होगा, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल इन्फो टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जिस तरह से मुस्लिम देशों के अंदर लगातार मुस्लिम युवाओं के द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग करने का सिलसिला काफी जोर शोर से चल रहा है, उसने सभी मौलानाओं की चिंता बढ़ा दी है। कुछ समय पहले एक मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वह मीडिया के सामने रोते हुए इस बात को स्वीकार कर रहा था कि लगभग 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम युवाओं ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया है और वो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप एक बार उसे वीडियो को पूरा देखें। आपको पूरी हकीकत का पता चल जाएगा कि क्यों मुस्लिम युवक बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म का त्याग कर रहे हैं। खैर, अब हम बात करते हैं उन देशों की जहां पर मुसलमानों के अस्तित्व को साफ करने के लिए बड़ी संख्या में अभियान चलाए जा रहे हैं। इन देशों में जापान, चीन और इटली जैसे देश शामिल है। ऐसा देखा गया है कि लगातार यहां पर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की संख्या में तेजी से भी इजाफा हो रहा है, जो इन देशों की सरकारों को सोचने पर विवश कर रही है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर मुसलमान निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके नमाज अदा करने के लिए कोई भी मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये देश दुनिया के सबसे खुशहाल देश माने जाते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के संविधान के तहत मुसलमानों को हिंदुओं के समान दर्जा प्राप्त है, जैसे हिंदुओं के प्रार्थना करने के लिए मंदिर बनाए गए हैं, वैसे ही भारत में मस्जिदों में मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन दूसरे देशों में अब मुसलमानों को हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो अपने ही देश से मस्जिदों को हटा रहे हैं और वहां पर या तो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं या फिर शराब के ठेके। इसी लिस्ट में जापान भी शामिल है, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। जापान में पिछले कुछ समय में अचानक से मुस्लिमों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। जहां पहले मस्जिद में गिने चुने लोग होते थे, वो भी अब गिनती में काफी बढ़ गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 के अंदर जापान में मुसलमान की संख्या लगभग 20,000 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान समय में जापान के अंदर मुसलमानों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग मुसलमानों की संख्या में 10 गुना तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जापान में मस्जिदों की बात करें तो 1999 से पहले कोई गिनी चुनी मस्जिद जापान के अंदर मौजूद थी, लेकिन फिलहाल जापान में मस्जिदों की संख्या 110 से भी अधिक हो चुकी है। लेकिन वर्तमान समय में जापान के अंदर जिस तरह से मस्जिदों और मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर जापान पूरी तरह से मस्जिद मुक्त देश हो जाएगा और वहां से मुसलमानों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
जापान के अंदर लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी को देखते हुए अब वहां के लोग भी सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए हैं। जापान के लोगों का कहना है कि वो मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते हैं। इसके पीछे का कारण बताते हुए उनका कहना है कि जापान में लगातार मुसलमानों और जापानी नागरिकों के बीच अंतर धार्मिक विवाह के चलते बड़ी तेजी से जापान में मुस्लिम लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है कि इस्लाम के अंदर युवाओं को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूलने के लिए विवश करो। ऐसा ही कुछ जापान के अंदर भी चल रहा है। जापान में मुस्लिम लड़कियां जापानी लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादियां कर रही है, बाद में उनका धर्म परिवर्तन भी करवा रही है। अब तो जापान के अंदर मुसलमानों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वह जापान के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही की घटना है, गाम्बिया के एक मुस्लिम व्यक्ति ने जापानी धर्मस्थल में तोड़फोड़ के साथ ही एक जापानी महिला पर हमला कर दिया था। उसका कहना था कि केवल एक भगवान है जो अल्लाह है, यहाँ कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसके अलावा जापानी लोगों का मुसलमानों के साथ ना रहने के पीछे का दूसरा कारण ओसाका के निशिनारी वार्ड में बनाई गई एक मस्जिद भी है। दरअसल एक साल पहले की घटना है। ओसाका के निशिनारी वार्ड में एक कारखाना हुआ करता था जिसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर एक गुबंद बना दिया और उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस तरह से मस्जिदें बनाने के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग इंडोनेशिया से दी गई थी। बस इसी घटना के बाद जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। जापान की सरकार भी एक खास मिशन के तहत काम कर रही है जिसके अनुसार अवैध जगह पर बनाई गई मस्जिदों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। जिस तरह से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आपको हर कोने के अंदर बुलडोजर खड़े हुए दिख जाएंगे, वैसे ही जापान के अंदर योगी जी का बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम कौम ना केवल भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुओं के पवित्र स्थलों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवा रहे हैं, बल्कि तमाम मुल्क जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं वहां भी इस तरह की तुच्छी हरकतें की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब सभी मुल्क मुसलमानों की इन हरकतों से वाजिफ हो चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे दुनिया भर के तमाम मुल्क मुसलमानों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि चीन के अंदर भी लगातार मस्जिदों को गिराया जा रहा है और वहां पर मुसलमानों के नमाज अदा करने और उनके टोपी पहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? जिस तरह से बाकी मुल्कों के अंदर लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को जमींदोज किया जा रहा है, क्या ऐसा ही मॉडल भारत के अंदर भी अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।